नमस्कार। दास्तान टाइमलेस टेल्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बोल हैदराबाद और मेरा नाम है रश्मि। दास्तान में आज आप सुनेंगे बंगला भाषा के महान कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कुछ कहानियां। शरत बाबू को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। देवदास और चरित्रहीन जैसे उनके उपन्यासों का अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं में हो चुका है। इन्हीं उपन्यासों पर अनेक चर्चित फिल्में और धारावाहिक भी बने हैं। तो पहले सुनते हैं उनकी कहानी महेश। गांव का नाम है काशीपुर। छोटा सा गांव और जमींदार उससे भी छोटा, मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि प्रजा चूं तक नहीं कर सकती। छोटे लड़के की पूजा थी। जन्मतिथि की पूजा समाप्त करके तर्क रत्न महाशय दोपहर के वक्त घर लौट रहे हैं। बैसाख खत्म होने को है, पर आकाश में बादल की छाया तक नहीं। वर्षा ना होने के कारण आकाश से मानो आग झर रही है। सामने का दिशाओं तक फैला मैदान कड़ी धूप से सूखकर फटने लगा है और उन लाखों दरारों में से धरती की छाती का खून मानो धुआं बनकर उड़ा जा रहा है। अग्निशिखा सी उसकी लहराती हुई उद्धर्व गति की तरफ देखने से सिर चकराने लगता है, जैसे नशा आ गया हो। उस मैदान के किनारे रास्ते पर गफूर जुलाहे का घर है। उसकी मिट्टी की दीवार गिर गई है और आंगन सड़क से आ मिला है। मानो अंतःपुर की लज्जा और आबरू पथिकों की करुणा के आगे आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो गई हो। सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर तर्क रत्न ने पुकारा, ओरे ओ गफूर, घर में है क्या? उसकी 10-11 साल की लड़की ने दरवाजे के पास आकर कहा, क्यों, बापू को तो बुखार आ गया। बुखार? बुला हरामजादे को, पाखंडी मलेच्छ कहीं का। शोरगुल सुनकर गफूर घर से निकलकर बुखार में कांपता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। फूटी दीवार से सटा हुआ एक पुराना बबूल का पेड़ है, उसकी डाल से एक बैल बंधा हुआ है। तर्करत्न ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, ये क्या हो रहा है, सुनो तो सही, ये हिंदुओं का गांव है, जमींदार ब्राह्मण है, सो कुछ होश भी है? उनका चेहरा गुस्से और धूप से सुर्ख हो रहा था, लिहाजा उस मुंह से गर्म और तीखी बात ही निकलेगी, मगर कारण ना समझने की वजह से गफूर सिर्फ मुंह की तरफ देखता रहा। तर्क रत्न ने कहा, सवेरे जाते वक्त देख गया था यहीं बंधा है, और दोपहर के वक्त लौटते देख रहा हूं ज्यों की त्यों बंधा हुआ है। गौहत्या होने पर मालिक साहब तुझे जिंदा गाड़ देंगे, वो ऐसे ब्राह्मण नहीं है। क्या करूं पंडित जी महाराज, बड़ी लाचारी में पड़ गया हूँ, कई दिन से बुखार में पड़ा हूँ। पघा पकड़कर थोड़ा बहुत चरा लाता सो होता नहीं, चक्कर खाकर गिर पड़ता हूँ। तो खोल दे, आप ही चराएगा। कहाँ छोड़ाऊँ पंडित जी, लोगों के धान अभी झाड़े नहीं गए हैं, खलिहान में पड़े हुए हैं, पुआल भी अभी ज्यों का त्यों पड़ा है, और मैदान तो सब खुलकर सफाचट हो रहा है, कहीं भी मुट्ठी भर घास भी नहीं। किसी के धान में मुंह मार दे, किसी का पुआल तहस नहस कर डाले, कोई ठीक नहीं, छोड़ू तो कैसे छोड़ू महाराज। तर्क रत्न ने जरा गर्म होकर कहा, नहीं छोड़ता तो कहीं छा में बांध कर दो आंटी पुआल तो डाल दे, चबाया करेगा तब तक। तेरी लड़की ने भात नहीं रांधा, माड़ पानी दे दे, थोड़ा सा पी लेगा। गफूर ने कुछ जवाब नहीं दिया, निरुपाय की भांति तर्क रत्न के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा। तर्करत्न ने कहा,
सो भी नहीं है क्या? पुआल सबका क्या कर दिया? हिस्से में कुछ मिला था तो सब बेच बूझ के पेट आए स्वाहा कर डाला। बैल के लिए थोड़ा सा नहीं रखा, कसाई कहीं का। इस निष्ठुर अभियोग से गफूर की मानो जबान बंद हो गई। क्षण भर उसने आहिस्ता से कहा, जो कुछ हिस्से में मिला था सो मालिक साहब ने पिछला बकाया मैं रखवा लिया। रो बिलक कर हाथ पांव जोड़कर कहा, बाबू साहिब हाकिम हैं आप, आपकी जमींदारी छोड़कर भागे थोड़े ही जाता हूँ, थोड़ा सा पुआल दे दीजिए, छप्पर छाना है, एक कोठरी है, बाप बेटी को रहना है, सो भी खैर, इस साल ताड़पत्तों से गुजर कर लूँगा, लेकिन मेरा महेश भूखों मर जाएगा। तर्क रत्न ने हंसकर कहा, ओफो, और अपने शौक से इसका नाम रख छोड़ा है महेश, हंसी आती है। मगर यह व्यंग गफूर के कानों में नहीं गया, वो कहने लगा, लेकिन हाकिम की मेहरबानी नहीं हुई, 2 महीने की खुराक लायक धान हम लोगों को दे दिया, लेकिन पुआल जब हिसाब में ले लिया इस बेचारे को एक तिनका तक नहीं मिला। ये कहते कहते उसका गला भराया, परंतु तर्क रत्न को उस पर दया नहीं आई। बोले, अच्छा आदमी है तू तो, पहले से ले रखा है तो देगा नहीं, जमींदार क्या तुझे अपने घर में से खिलाएगा? अरे तुम लोग तो राम राज्य में बसते हो, आखिर कौम तो नीचे ही ठहरी ना, इसी से बुराई करता फिरता है। गफूर ने लज्जित होकर कहा, बुराई मैं क्यों करने लगा महाराज, उनकी बुराई हम लोग नहीं करते, लेकिन दूं कहाँ से बताइए, 4 बीघे खेत हिस्से में जोतता हूँ, पर लगातार 2 साल से अकाल पड़ गया, खेत का धान खेत में सूख गया, बाप बेटी दोनों के भर पेट खाने को भी नहीं मिलता। घर की तरफ देखिए, बरखा होती है तो बिटिया को लेकर एक कोने में बैठकर रात बितानी पड़ती है, पैर फैलाकर सोने को भी जगह नहीं। महेश की तरफ देखिए, हड्डी निकल आई हैं। दे दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल उधार दे दीजिए ना, 2-4 दिन इसका पेट भर खिला दूं। कहते कहते वो धप से ब्राह्मण के पैरों में बैठ गया। तर्क रत्न महाशय तीर की तरह 2 कदम पीछे हटकर बोले, अरे मरे छूलेगा क्या? नहीं महाराज, छूंगा क्यों, छूंगा नहीं, इसे इस साल दे दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल दे दीजिए, आपके यहाँ 4-4 टाले लगी हुई हैं, उसी दिन मैं देखकर आया हूँ, थोड़ा सा देने से आपको कोई कमी ना होगी, बड़ा सीधा जीव है, मुंह से कुछ नहीं कहता, सिर्फ टुकर टुकर देखता रहता है और आंखों से आंसू डालता रहता है। तर्क रत्न ने कहा, उधार तो ले लेगा, अदा कैसे करेगा सो तो बता। गफूर ने आशान्वित होकर व्यग्र स्वर में कहा, जैसा बनेगा मैं चुका दूंगा महाराज जी, आपको धोखा ना दूंगा। तर्क रत्न महाशय ने मुंह से एक प्रकार का शब्द करके गफूर के व्याकुल कंठ का अनुकरण करते हुए कहा, धोखा नहीं दूंगा, जैसा बनेगा चुका दूंगा, रसिक नागर बन रहा है, चल चल हट, रास्ता छोड़, घर जाना है, बहुत अबेर हो गई। इतना कहकर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डर के मारे पीछे हटते हुए गुस्से में आकर कहने लगे, अरे मरे सींग हिलाकर मारने आ रहा है, सींग मारेगा। गफूर उठकर खड़ा हो गया। पंडित जी के हाथ में फल फूल और भीगे चावलों की पोटली थी, उसे दिखाते हुए गफूर ने कहा, गंध मिल गई है ना उसे, इसी से कुछ खाने को मांगता है, खाने को मांगता है, ठीक जैसे खुद गंवार है वैसा ही बैल है, पुआल तो नसीब होता नहीं, केले चावल खाने को चाहिए, हटा हटा रस्ते से एक तरफ हटा कर बांध, कैसे सींग है, किसी दिन किसी की जान ही ना ले लें। कहते हुए पंडित जी एक तरफ से बचकर निकल गए। गफूर उनसे दृष्टि हटाकर कुछ देर तक महेश की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी गंभीर काली आंखें वेदना और भूख से भरी थीं। उसने कहा, तुझे मुट्ठी भर नहीं दिया ना, उन लोगों के पास बहुत है, फिर भी देते नहीं किसी को, और ना दें। कहते कहते उसका गला रुंधाया और आंखों से टपटप आंसू गिरने लगे। महेश के पास आकर वो चुपचाप उसके गले पर, माथे और पीठ पर हाथ फेरता हुआ चुपके से कहने लगा, महेश तू मेरा लड़का है, तू हम लोगों को 8 साल तक खिलाता पिलाता रहा है, अब बूढ़ा हो गया है, तुझे मैं भरपेट खिला भी नहीं सकता, लेकिन तू तो जानता है ना कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। महेश ने उसके इस उत्तर में सिर्फ गर्दन बढ़ाकर आराम से आंखें मीच ली। गफूर अपने आंसू महेश की पीठ पर पहुंचता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वर में कहने लगा,
زمیندار نے تیرے منہ کا کور چھین لیا۔ مسان کے پاس جو چرنے کی جگہ تھی اسے بھی پیسے کے لوبھ سے ٹھیکے پر اٹھا دیا۔ ایسے اکال میں تجھے کیسے جلائے رکھوں بتا؟ چھوڑ دینے سے تو دوسروں کی ٹال میں منہ مارے گا، لوگوں کے کیلے کے پیڑ توڑ کر کھا جائے گا، تیرے لیے میں کیا کروں؟ دیہ میں اب طاقت بھی نہیں، گاؤں کا کوئی اب تجھے چاہتا نہیں، لوگ کہتے ہیں اب تجھے بیچ دینا چاہیے۔ من ہی من ان شبدوں کے اچارن کرتے ہی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ انہیں ہاتھ سے پہنچ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر پھوٹے گھر کے چھپر سے تھوڑا سا پرانا میلا پوال کھینچ لایا اور اسے مہیش کے سامنے رکھ کر دھیرے سے کہنے لگا، لے جلدی سے تھوڑا بہت کھا لے، دیر ہونے سے پھر۔ باپو؟ ہاں کیوں بیٹیا؟ آؤ بھات کھا جاؤ، کہتی ہوئی امینہ گھر سے نکل کر دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کھن بھر دیکھ کر اس نے کہا، مہیش کو پھر چھپر کا پوال کھلا رہے ہو نا باپو؟ ٹھیک اسی بات کا ڈر تھا، لجت ہو کر بولا، سڑا سڑایا پوال ہے بٹیا، اپنے آپ جھر جھر کر کے گر رہا تھا، میں بھیتر سے آواز سن رہی تھی باپو، تم کھینچ کر نکال رہے تھے۔ نہیں بٹیا، ٹھیک کھینچ کر نہیں نکالا، لیکن دیوار جو گر جائے گی باپو۔ گفور چپ رہا، صرف ایک کوٹھری کے سوا اب سب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور اس طرح کرنے سے اگلی برسات میں بھی وہ نہیں ٹک سکتی، یہ بات اس سے زیادہ کون جانتا ہے، اور اس طرح اور کتنے دن کٹ سکتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، ہاتھ پاؤں دھو کر بھات کھا جاؤ باپو، میں پروس چکی ہوں۔ گفور نے کہا، مانڈ تو دے دیتا بٹیا، مہیش کو پلا پلو کر بے فکر ہو کر کھانے بیٹھوں گا۔ مانڈ تو آج نہیں رہا باپو، ہنڈیا میں ہی چپک گیا۔ نہیں ہے؟ گفور چپ ہو رہا، ایسے کشٹ کے دنوں میں ذرا بھی کوئی چیز بگاڑی نہیں جا سکتی، اس بات کو 10 سال کی لڑکی بھی سمجھ گئی ہے۔ ہاتھ پاؤں دھو کر وہ کوٹھری کے بھیتر جا کر کھڑا ہو گیا، ایک پیتل کی تھالی میں پتا کے لیے دال بھات پروس کر بیٹھی بیٹی اپنے لیے ایک مٹی کی تھالی میں دال بھات لیے بیٹھی ہے۔ دیکھ کر گفور نے دھیرے سے کہا، امینہ مجھے تو آج جاڑا معلوم ہو رہا ہے بٹیا، بخار میں کھانا کیا ٹھیک رہے گا؟ امینہ نے ادوگن چہرے سے کہا، مگر تب تم نے کہا تھا کہ بڑی بھوک لگی ہے، تب شاید بخار نہیں تھا نا بیٹی، تو اٹھا کر رکھ دوں، شام کو کھا لو گے؟ گفور نے نہ جانے کیوں کیا سوچ بچار کر سہسا اس سمسیا کی میمانسا کر ڈالی، بولا، ایک کام کرو نا بٹیا، نہ ہو تو مہیش کو کھلا دو، رات کو پھر میرے لیے مٹھی بھر نہیں بنا سکو گے کیا امینہ؟ اتر میں امینہ منہ اٹھا کر کھن بھر چپ چاپ پتا کی منہ کی اور دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر دھیرے سے بولی، ہاں بنا دوں گی باپو۔ گفور کا چہرہ سرخ ہو اٹھا، باپ اور بیٹی میں یہ جو تھوڑا سا جھوٹ موٹ کا ابھینے ہو گیا تھا، انہیں ان دو پرانیوں کے سوا شاید اور بھی ایک جن نے آسمان میں رہ کر دیکھ لیا۔ 5-7 دن بعد ایک دن گفور چنتت چہرے سے اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، اس کا مہیش کل سے ابھی تک لوٹا ہی نہیں، خود وہ کمزور ہے اس لیے امینہ اسے سویرے سے چاروں طرف ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ دن چھپنے سے پہلے اس نے واپس آ کر کہا، سنا ہے باپو مانک بابو نے مہیش کو تھانے بھجوا دیا ہے۔ کفور نے کہا، چل پگلی۔ ہاں باپو سچ، ان کی نوکر نے مجھ سے کہا کہ اپنے باپ سے جا کر کہہ دے دریا پور کے مویشی خانے میں ڈھونڈے جا کر۔ کیا کیا تھا اس نے؟ ان کے بگیچے میں گھس کر اس نے پیڑ پودے برباد کر دیے ہیں۔ گفور سن ہو کر بیٹھا رہا، مہیش کے سمبندھ میں اس نے انیک پرکار کی درگھٹناؤں کی کلپنا کی تھی، پر ایسی آشنکا اسے نہیں تھی، وہ جیسا نری ہے ویسا ہی غریب، لہذا کوئی پڑوسی اسے اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتا ہے، اس بات کا ڈر اسے نہیں تھا، خاص کر مانک گھوش گاؤں اور براہمنوں پر جس کی بھکتی انیہ گاؤں تک پرسدھ ہے، اس سے گفور کو ایسی آشا نہیں تھی۔ لڑکی نے کہا، دن تو چھپا جاتا ہے باپو، مہیش کو لانے نہیں جاؤ گے؟ گفور نے کہا، نہیں، لیکن اس نے تو کہا ہے کہ 3 دن کے بھیتر نہیں چھڑانے سے پولیس والے اسے گوہٹی میں بیچ دیں گے۔ گفور نے کہا،
बेच डालने दे। गौहाटी ठीक ठाक क्या चीज़ है, अमीना इस बात को नहीं जानती थी, परंतु महेश के संबंध में उसका उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता है, इस बात को उसने बहुत दफे देखा था। परंतु आज वो और कोई बात ना कहकर चुपचाप सीधे धीरे से चला गया। रात को अंधेरे में छिपकर गफूर बंशी की दुकान पर जाकर बोला, चचा आज एक रुपया देना होगा। कहते हुए उसने अपनी पीतल की थाली बंशी के बैठने के माचे के नीचे रख दी। इस चीज की तौल वगैरह से बंशी परिचित था। पिछले 2 सालों में उसने इसे 5-6 दफा गिरवी रखकर 1-1 रुपया दिया है, इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थान पर बंधा दिखाई दिया। वही बबूल का पेड़, वही रस्सी, वही खूंटी, वही रीति नांद, वही भूख से बेचैन काली आंखों की सजल उत्सुक दृष्टि। एक बूढ़ा सा मुसलमान उसे अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहा था। पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाए गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह देखभाल कर उस बुड्ढे ने चादर के छोर में से 10 रुपये का नोट निकालकर उसकी तह खोल के बार बार उसे ठीक करते हुए गफूर के पास जाकर कहा, अब मोल तोल करके इसे बुनाऊंगा नहीं, ये लो पूरे 10 के 10 दिए देता हूँ, लो। गफूर ने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। पर जो आदमी बुड्ढे के साथ आए थे उनके पग्घा पर हाथ लगाते ही गफूर अकस्मात ही उठकर सतर खड़ा हो गया और उद्धत स्वर में बोला, पग्घा को हाथ मत लगाना, कह ही देता हूँ, खबरदार अच्छा ना होगा। वे चौंक पड़े। बुड्ढे ने आश्चर्य के साथ कहा, क्यों? गफूर ने उसी तरह गुस्से में जवाब दिया, क्यों क्या, मेरी चीज़ है, नहीं बेचता, मेरी खुशी। इतना कहकर उसने नोट को अलग फेंक दिया। उन लोगों ने कहा, कल रास्ते में बयाना जो लेकर आए थे, ये लो अपना बयाना वापस ले लो। कहकर उसने अंटी में से 2 रुपया निकालकर झन्न से पटक दिया। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा, इस ख्याल से बूढ़े ने हंसकर धीरता के साथ कहा, दबाव डालकर और 2 रुपये ज़्यादा लेना चाहते हो, यही तो, दे दो जी जलपान के लिए उसकी लड़की के हाथ पे धर दो 2 रुपये, बस यही चाहिए। नहीं मगर इससे ज़्यादा कोई एक ढेला भी नहीं देगा, मालूम है तुम्हें? गफूर ने ज़ोर से सर हिलाकर कहा, नहीं। बुड्ढे ने नाराज होकर कहा, तो क्या चमड़े की ही तो कीमत मिलेगी, नहीं तो माल इसमें क्या है? तौबा तौबा, गफूर के मुंह से अचानक एक भद्दी कड़वी बात निकल गई और दूसरे ही क्षण वो अपनी कोठरी में जाकर चिल्ला चिल्ला के धमकी देने लगा कि अगर वो गांव से जल्दी ही बाहर नहीं चले गए तो जमींदार के आदमियों को बुलवाकर जूते मरवा के निकलवा देगा। शोरगुल सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, मगर इतने में जमींदार के यहाँ से उनका बुलावा आ गया था। बात मालिक साहब तक पहुँच गई थी। कचहरी में उस समय भले बुरे ऊंच नीच सभी तरह के आदमी बैठे थे। शिवशंकर बाबू ने आंखें तरेर कर कहा, गफूरा तुझे क्या सजा दी जाए, कुछ समझ में नहीं आता, किसकी जमींदारी में रहता है जानता है? गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूँ, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं हुजूर, नहीं तो आज आप जो जुर्माना कहते मैं ना नहीं कहता। सभी चकित रह गए, इस आदमी को वो जिद्दी और बदमिजाज ही समझते आ रहे थे। गफूर ने रुंधे हुए गले से कहा, ऐसा काम अब कभी भी ना करूँगा। इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथों से अपने कान पकड़े और आंगन में एक तरफ से नाक रगड़कर वो अलग खड़ा हो गया। शिवशंकर बाबू ने सदैव कंठ से कहा, अच्छा जा जा, हो गया, चल जा, अब कभी ऐसा मत करना। बात सुनकर सबके रोएं खड़े हो गए और इस विषय में किसी को रंच मात्र भी संदेह ना रह गया कि ऐसा महापातक होते होते जो रुक गया वो सिर्फ मालिक साहब के पुण्य के प्रभाव से और शासन के जोर से है। तर्करत्न महाशय भी उपस्थित थे, उन्होंने गो शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की और ऐसी धर्म ज्ञान शूल्य मलिच्छ जाति को गांव के आसपास कहीं भी क्यों नहीं बसने देना चाहिए, इस बात को प्रकट करके लोगों के ज्ञान नेत्र खोल दिए। गफूर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कार को सही समझकर सिर माथे ले लिया और वो प्रसन्नचित घर चला गया।
उसने पड़ोसी के घर से मांड मंगवा कर महेश को पिलाया और उसकी देह सिर और सींगों पे बार बार हाथ फेर कर अस्फुट स्वर में न जाने क्या क्या कहा। जेठ खत्म हो गया। रुद्र की जिस मूर्ति ने एक दिन वैशाख के अंत में आत्मप्रकाश किया था वो कितनी भीषण और कितनी कठोर हो सकती है, इस बात का अनुभव आज के आकाश की तरफ बगैर देखे किया ही नहीं जा सकता। कहीं भी जरा करुणा का आभास तक नहीं। कभी इस रूप का लेश मात्र परिवर्तन हो सकता है और किसी दिन ये आकाश बदलियों से गिरकर सजल दिखाई दे सकता है, इस बात की आज कल्पना करते भी डर लगता है। सारे आसमान से जो जलती हुई आग सी लगातार झर रही है उसका अंत नहीं, समाप्ति भी नहीं, सबको अंत तक जलाकर खाक किए बगैर वो नहीं रुकने वाली। ऐसे दिन में ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लौटा। दूसरे के दरवाजे पर मजूरी करने की उसको आदत नहीं और अभी बुखार को छूटे भी 4-5 दिन ही हुए हैं। शरीर कमजोर है, थका हुआ, फिर भी आज वो काम की तलाश में निकला था, मगर ऐसी तेज धूप में चलने के सिवा उसके हाथ कुछ ना आया। भूख, प्यास और थकान के मारे उसे आंखों के आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था। आंगन में खड़े होकर उसने आवाज दी, अमीना भात हो गया री। लड़की कोठरी में से आहिस्ता से निकली, चुपचाप खूंटी के सहारे खड़ी हो गई। जवाब ना पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, हुआ भात? क्या कहा, नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बता। चावल नहीं है बापू। चावल नहीं है? सवेरे से नहीं कहा गया? रात को तो कहा था, गफूर ने मुंह बनाकर उसी की स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को तो कहा था। रात को कहने से किसी को याद रहती है? कर्कश कंठ से उसका क्रोध दूना बढ़ गया। वो चेहरे को अधिकतर विकृत करके कहने लगा, चावल रहेगा कहाँ से? बीमार बाप खाए चाहे ना खाए, ढींगड़ी लड़की को 4-5 दफे गटकने को चाहिए? आज से चावल मैं ताले में बंद करके रखूंगा। ला एक लोटा पानी दे, मारे प्यास के छाती फटी जाती है। कह दे पानी भी नहीं है। अमीना उसी तरह सर झुकाए खड़ी रही। कुछ देर बाद गफूर जब समझ गया कि घर में पीने का पानी तक नहीं, तब वो अपने को संभाल ना सका। उसने चट से पास जाकर उसके गाल पर तड़ से तमाचा जड़ दिया और कहा, कल मुही हरामजादी लड़की, दिन भर तू क्या क्या करती है? इतने लोग मरते हैं, क्यों नहीं मर जाती? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिट्टी की गागर उठाकर ऐसी कड़ाके की धूप में ही आंखें पोंछती हुई चुपचाप चल दी। मगर उसके आंख से ओझल होते ही गफूर की छाती में शूल सा चुभने लगा। बगैर माँ की इस लड़की को उसने किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है सो तो वो ही जानता है। वो सोचने लगा, उसकी इस स्नेहमयी कार्यपरायणा शांत लड़की का कोई दोष नहीं है। खेत का जो थोड़ा सा अनाज था उसके निबट जाने के बाद से उसे दोनों वक्त का भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। किसी दिन एक वक्त खाकर रह जाती है और किसी दिन वो भी नसीब नहीं। दिन में 4-5 दफे खाने की बात जितनी असंभव है उतनी ही झूठ। और घर में पानी ना रहने का कारण भी उससे छिपाना था। गांव में जो 2-3 तालाब हैं बिल्कुल सूख गए हैं। शिवचरण बाबू के पिछवाड़े के पोखर में थोड़ा बहुत पानी है भी सो सबको मिलता नहीं। और तालाबों में एका जगह गड्ढा खोदकर जो कुछ पानी संचित होता है उसके लिए छीना झपटी मच जाती है और वहाँ भीड़ बहुत रहती है। मुसलमान होने से वो उसके पास भी नहीं जा सकती। घंटों दूर खड़ी रहने के बाद बहुत निहारने पर कोई दया करके उसके बर्तन में डाल दे तो वो घर लाए, इस बात को वो जानता था। हो सकता है आज पानी ना रहा हो या छीना झपटी के बीच किसी को लड़की पर कृपा करने का मौका ही ना मिला हो, ऐसी ही कोई बात हो गई होगी, ये समझकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में जमींदार का पियादा यमदूत की तरह आंगन में आकर खड़ा हुआ और बोला, गफूरा घर में है क्या? गफूर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, हूं, क्यों, क्या है? बाबू साहब बुला रहे हैं, चल। गफूर ने कहा, अभी मैंने खाया पिया नहीं, पीछे आऊंगा। इतना जबरदस्त हौसला पियादे से तो सहा नहीं जाता। उसने एक भद्दा संबोधन करके कहा, बाबू का हुक्म है जूता मारते मारते घसीट के ले आने का। गफूर दूसरी बार अपने आप को भूल गया।
उसने भी एक कटु शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, महारानी के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं है। लगान देकर रहता हूँ, मुफ्त नहीं, मैं नहीं आता। मगर संसार में इतने छोटों के लिए कोई बड़े की दुहाई देना सिर्फ व्यर्थ ही नहीं बल्कि विपत्ति का कारण भी है। यह खैर हुई कि इतना क्षीण कंठ उतने बड़े कानों तक पहुंचा नहीं, नहीं तो उनके मुंह का अन्न और उनकी आंखों की नींद ही जाती रहती। इसके बाद क्या हुआ विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन घंटे भर बाद जब वो जमींदार के सदर से लौटकर चुपचाप पड़ा रहा तब उसका चेहरा और आंखें सब फूल रही थीं। उसकी सजा का प्रधान कारण है महेश। उसके घर से बाहर निकलने के बाद ही वो पगहा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और जमींदार के सहन में जाकर उसने फूलों के सारे पौधे नष्ट कर डाले। अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वो बाबू साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग गया। ऐसी घटना ये पहले पहल हुई हो सो बात नहीं, इसके पहले भी हुई है, पर गरीब होने से उसे माफ़ कर दिया जाता, परंतु प्रजा होकर उसका यह कह देना कि वो लगान देकर रहता और किसी का गुलाम नहीं, जमींदार से किसी भी तरह सहा नहीं गया। वहाँ उसने पिटने और बेइज्जत होने का ज़रा भी प्रतिवाद नहीं किया, सब कुछ मुंह बंद करके सह लिया और घर भी आकर उसी तरह मुंह बंद करके पड़ा रहा। भूख प्यास की बात उसे याद नहीं रही, लेकिन छाती के भीतर मानो आग सी चलने लगी। इस तरह कितनी देर बीत गई कुछ होश नहीं, परंतु आंगन से सहसा अपनी लड़की की कराह कान में पड़ते ही वो तड़ाक से उठकर खड़ा हुआ और लपका। बाहर जाकर देखता क्या है, अमीना जमीन पर पड़ी है, उसकी फूटी गागर से पानी झर रहा है और महेश मिट्टी पर मुंह लगाए मानो मरुभूमि की तरह पानी सोख सोख कर पी रहा है। आंखों की पलकें नहीं गिरी। गफूर का होश हवास जाता रहा। मरम्मत के लिए कल उसने अपने हल्का सिरा खोल रखा था, उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के झुके हुए माथे पर जोर से दे मारा। एक बार, सिर्फ एक बार महेश ने मुंह उठाने की कोशिश की, उसके बाद उसका भूखा प्यासा कमजोर शरीर जमीन पर लुढ़क पड़ा। आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें कनपटियों की तरफ ढुलक पड़ी और कान से थोड़ा सा खून बह निकला। दो तीन बार सारा शरीर थरथराकर कांप उठा, फिर सामने और पीछे के पैर जहां तक तन सकते थे तन्ना कर महेश ने अंतिम सांस छोड़ दी। अमीना रो पड़ी, बोली, क्या किया बापू, महेश तो अपना मर गया। गफूर टफ से मस ना हुआ, ना कुछ जवाब दिया, सिर्फ एकटक दृष्टि से सामने पड़े हुए महेश की पथराई गहरी काली आंखों की तरफ देखता हुआ पत्थर की तरह निश्चल खड़ा रहा। दो घंटे के भीतर खबर पाकर दूसरे गांव से मोची आ जुटे और महेश को बांस में बांधकर बीहड़ की तरफ ले चले। उनके हाथों में पैने चमकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा। चट से उसने आंखें मीच ली, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। मोहल्ले के लोग कहने लगे, तर्क रत्न जी से व्यवस्था करने के लिए जमींदार ने आदमी भेजा, प्रायश्चित का खर्च जुटाने में अब तेरा घर द्वार बिक जाएगा। गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वो घुटनों पर मुंह रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत रात भी थी। गफूर ने लड़की को जगाकर कहा, अमीना चल हम लोग चलते हैं यहाँ से। वो बरामदे में सो रही थी, आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई, बोली, कहाँ बापू? गफूर ने कहा, फुलवाड़ी की जूट मिल में काम करने। लड़की आश्चर्य में पड़ गई और बाप का मुंह ताकने लगी। इसके पहले बड़े से बड़े दुख में भी उसका बाप जूट मिल में काम करने को राजी ना हुआ करता था, कह दिया करता था कि वहाँ धर्म नहीं रहता, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती इत्यादि। गफूर ने कहा, अब देरी मत कर बिटिया, बहुत दूर पैदल चलना है। अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया, ये सब रहने दे रे बिटिया, इनसे अपने महेश का प्रायश्चित होगा। अंधकार में गहरे सन्नाटे में गफूर लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। गांव में उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिहाजा किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। आंगन पार होकर रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा।
तारों से जड़े काले आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहने लगा, अल्लाह मेरा महेश प्यासा मर गया। उसके चरने खाने तक को किसी ने ज़मीन नहीं दी। मुझे जितनी चाहे सजा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई घास, तुम्हारा दिया हुआ पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर कभी माफ मत करना। दास्तान का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमें आपके सुझावों और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है bolhyd90.4@gmail.com। मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ, bolhyd90.4@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज बोल हैदराबाद 90.4 FM पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका भी स्टोरी नरेशन में इंटरेस्ट है तो बोल हैदराबाद में आप अपनी कहानियां भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारा पता है बोल हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, गच्ची बावली। Point 4 FM, bajao.